गाइस, आज हम सिंक की पाइप जोड़ेंगे। आपको सिखाएंगे सिंक की पाइप जोड़ना, सिंक के जो नीचे लगती है। तो आज हम ये जोड़ रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये है इसका ड्रेन का जो कुछ भी बोलते हैं डिवाइस है, और इसमें से पानी फिल्टर होके जाता है। और इसको आप ऐसे पुल करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये एक वो होता है, यहाँ पे ये बॉल अंदर ऐसे, इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है। इसको आप प्रेस करेंगे तो ये स्प्रिंग की हेल्प से अंदर चला जाता है और इसमें टाइट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है इसको यहाँ पे रखना है। ओके, यहाँ पे जहाँ पे ये इसका ग्रूव बना हुआ है, देख सकते आप, देख सकते हैं ये ग्रूव बना हुआ है इसका, ये रहा। तो इसको यहाँ पे रखना है, इसको, इस बॉल को, स्प्रिंग वाले बॉल को इसको इस साइड में रखना है और ये प्रेस कर देना है अंदर। ये लॉक हो गया। ठीक है, अब ये जल्दी से मूव नहीं होगा। तो ये फिल्टर करके भेजता है आपको, जब भी इसमें साफ करना हो। इसको निकाला और इसको क्लीन कर दिया यहाँ से, प्रेशर मार के पानी से ये क्लीन हो जाता है, ताकि आपकी गंदगी इसके अंदर नहीं जाएगी। अभी देखिए, अभी करना क्या है, इसको आप कैसे सेपरेट करेंगे, इसको जो इसके नीचे बीच में ये वॉशर लगी हुई है ब्लैक कलर की, आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉशर। तो ये वॉशर जो है आपको ये बताएगी कि कैसे आपको इसको क्लीन करना है। आप देखिए यहाँ पे ये सिंक है, इसमें हम इसको अगर ऐसे रख देंगे डायरेक्ट तो ये यहाँ पे कुछ फंस जाएगा, ये डायरेक्ट नहीं आ जाएगी। इसको नीचे से लॉक करना है प्लास्टिक पार्ट को, प्लास्टिक पार्ट का ये वाला हम इसको स्क्रू को ओपन कर लेंगे ऐसे जल्दी जल्दी ओपन करता हूँ। ओपन हो जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना हमने। और ये ओपन हो गया, देख सकते हैं आप नीचे ये मैकेनिज्म है। और इसको खींचना कैसे है, इसको इस स्क्रू को हम लूज करेंगे। ठीक है, इसको हम लूज कर लेंगे। अगर ये वैसे नहीं ओपन होता तो आपको किसी चीज़ में इसको अटका करके ऐसे और इसको खोल लेना है। ओके, खोल लेना है। इसकी चाबी आप ज़रूर मांग लो, जिससे मैंने खरीदा था उसने मेरे को चाबी नहीं दिया, तो ये मैंने वैसे ओपन कर लिया है। अब देखिए ये अलग हो गया है, इसको हम रख दिया साइड में और इसको हमने निकाल लिया है ऐसे। ठीक है, नाउ यू कैन सी, आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्लैक कलर का है ये इसका वॉशर है। ठीक है, ये पानी के बहाव को रोकेगा, पानी को लीक होने से रोकेगा साइड से, और ये प्रेस हो जाएगा ऐसे नीचे की साइड से। नीचे की साइड दिखाओ, नीचे की साइड यहाँ पे ये ऐसे लग जाएगा और ये इसको पानी को बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। ओके, तो ये और नीचे लग जाएगा और ये स्टील वाला जो है ना, मैंने सिंक पूरा चेंज करवाया, आप देख सकते हैं इट्स इन वेरी न्यू कंडीशन अभी लग रही है। आप देखिए मैंने इसका स्टिकर भी नहीं उतारा है। ठीक है, ये स्टिकर भी, अरे ये स्टिकर भी देखिए मैंने नहीं उतारा है, ये धीरे धीरे ये सारा उतारेंगे हम। तो इट्स अ वेरी न्यू, अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप देखिए इसको ये रहेगा ऊपर। ठीक है, ये रहेगा ऊपर, इसको आप चिपका भी सकते हैं यहाँ पे कोई भी वाइट सीमेंट या कुछ भी लगा करके, या कोई भी कुछ भी गम टाइप का, ठीक है, यहाँ पे लगा के आप चिपका सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अश्योर मोर अबाउट द लीकेज, तो आप इसको ये ऐसे करके इसको कन्फर्म कर सकते हैं। देखिए ये बिल्कुल फिट हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब इसमें यहाँ पे कुछ भी, कोई भी पार्टिकल, पत्ती, कोई भी नमक या कोई भी छिलका टमाटो वमाटो का नहीं अटकेगा। अब नीचे चलते हैं, नीचे की साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और हमने इसको ऐसे करके वो जो इसका जो नट है हम ये ऊपर की साइड से कस देंगे। इसको हमने यहाँ पे ये लगाया ऐसे, ये टाइट हो जाएगा। और इसको ये देखिए, ये यहाँ पे इंश्योर करें कि ये पूरे किनारे को कवर कर ले, तो आपने इस तरीके से इसको सेट करना है। अगर इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये बच जाएगा यहाँ पे। जरा इसको पास से दिखाओ, देखिए अगर देखिए यहाँ से आप इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा, तो ये गैप से यहाँ पे पानी लीक होगा। ये तो अब आपको इसको पूरा कवर करना है ऐसे। ठीक है, इसको आप इधर की तरफ थोड़ा सा मूव करें और ये पूरा कवर हो गया। ठीक है, अब ऊपर की तरफ देखते हैं, चलते हैं ऊपर की तरफ। ये इसका जो पेच है ये आपने इसमें ऐसे करके टाइट कर लेना जैसे ये पहले था, और ये वैसे ही क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इसको आप टाइट कर सकते हैं। और ये आपका, आप चाहे तो ये देखिए टाइट हो रहा है, इसमें आप कुछ भी डाल के आप इसमें ऐसे भी टाइट कर सकते हैं, इसको आप स्पून से भी टाइट कर सकते हैं। इसको देखिए मैंने ये नॉर्मल मेरा ये लिया है छलनी को, और छलनी से भी मैं इसको टाइट कर सकता हूँ। देखिए आप रोटेट हो रहा है, देखिए देखिए पास से दिखाइए, ये देखिए इसको, ये देखिए रोटेट हो रहा है ना, तो ये टाइट हो रहा है। और नीचे से भी मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। ठीक है, इसको टाइट हो जाने दो। ख्याल से काफ़ी टाइट हो गया है, और देखिए इससे ज़्यादा वो टाइट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब तो मैंने इसको वापस, सिंपल सा मैकेनिज्म है। अब क्या करना है, देखिए अब इसको हमने ये जो है इसको ये प्रेस यहाँ पे डाल के प्रेस कर देना है, ये फिट हो गया है। ठीक है, अब ये जो ये है ये हमने इसको यहाँ पे ये जो पार्ट निकाला था इसको हमने पहले इसमें पाइप फिट कर देंगे।
और उसके बाद इसको यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो पाइप कहाँ है? पाइप ये है पाइप। तो ये रहा पाइप में हम ये फ्रेश लेके आए हैं। ये यहाँ पे मुड़ा हुआ है पाइप, इसको आप ऐसे खींच के स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ से हम पाइप को ओपन कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको ऐसे, इसमें से निकाल लेते हैं। देखो पाइप की ये हो गई अनबॉक्सिंग। ये पाइप को हम खींच के ऐसे स्ट्रेच करके इसको लंबा कर सकते हैं और वापस पिचका के इसको छोटा कर सकते हैं। और इसको देखिए मैं जितना खींचता रहूँगा, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी ही है लेंथ आप खोलें। अननेसेसरी लेंथ खोलना फ़ायदेमंद नहीं होता है क्योंकि इसमें कुछ भी पार्टिकल अटक सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पाइप है, सिंपल सा पाइप है। इसको यहाँ पे इसमें ये इसमें टाइट कर लेंगे नॉर्मल, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करके आप इसको स्क्रू टाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया है टाइट मेरा। ठीक है, और अब इसको मैं यहाँ पे टाइट कर दूंगा सिंपली क्लॉकवाइज रोटेट करके। देखिए रोटेट हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा। हाँ, उनको दिख रहा है क्योंकि उनकी उनकी चार आंखें भी हैं और बहुत सारी आंखें, मतलब समझ रहे हो, बहुत सारे लोग देख रहे हैं आपको ये। तो ये देखिए आपको अच्छा लगा, कितना इजीली मैंने आपको बता दिया है। इंश्योर हो गया यहाँ पे एक भी ड्रॉप पानी की नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप। बिना किसी गम के, बिना किसी कोई पेस्ट लगाए, बिना कोई फेविकोल या वाइट सीमेंट यूज़ किए मैंने यहाँ पे इसको टाइट कर दिया है। अब ये इंश्योर करता है कि कोई भी ड्रॉप यहाँ से लीकेज ना हो। और इसको भी आप नॉर्मल टाइट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड टाइट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पानी का बहाव नीचे ही रहेगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये नीचे आके इस बकेट में इकट्ठा हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट उसमें उस होल में फिट करना है तो इस पाइप को आप थोड़ा सा जितना हो सके यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं। और ठीक है, खींच के और या उसको नीचे से भी ऐसे करके इसको डायरेक्ट उसमें एंट्री करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो ये आपका यहाँ पे फिट हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये पाइप यहाँ पे पूरा ये फिट हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा और खोल सकता हूँ अपनी सहूलियत के लिए ताकि ये टैप पे ना टकराए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो ये बिल्कुल फिट हो गया है। चलिए, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये मेरा फिट हो गया है और मैंने बहुत ही शॉर्ट, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। यस, कमेंट जरूर करिएगा कैसा वीडियो लगा। और ये है बालक जो आपको ये वीडियो शूट कर रहे थे, ये हमारे कैमरामैन डॉक्टर नव्या। और ये डॉक्टर नव्या आपको आज टेक्निकल चीज़ें भी सिखाने की कोशिश कर रही थी। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ ताकि आप सीखें हमारे साथ और भी बेहतर चीज़ें। आपके पैसे हम बचाते हैं प्लम्बर के, वैसे सारे प्लम्बर हमसे दुखी हो जाएंगे, परेशान होंगे कि ये सारी चीज़ें हमें सिखा देते हैं यूट्यूब पे, तो हमारी तो कमाई तो मतलब ठीक है। एनीवे, सो प्लम्बर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि हम आपके लिए भी कुछ नए सॉल्यूशंस लेके आएंगे ताकि आपको भी घर में आने वाली दिक्कतें, घर में आने वाली प्रॉब्लम्स, किसी भी तरह की लीकेज। ये पत्थर है, ओके, मार्बल का पत्थर है, तो इसको भी कैसे टाइट करना है, इसके क्या सॉल्यूशंस हैं, कहीं से लीकेज ना हो, कहीं भी पानी की लीकेज हो तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स टू। हैव अ गुड डे। बाय बाय।